नमस्कार, मैं यशी कुशवाहा HP न्यूज 24 से ताज़ा खबरों के साथ एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। मुरैना जिले के केलारश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनपद पंचायत केलारश की ग्राम पंचायत लाभकरण भूरी लाभकरण में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गिरिराज शर्मा, कमल सिंह यादव, स्वच्छ भारत परियोजना अधिकारी मुरैना ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दीपक पटेल द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार मास्क सैनिटाइजर वितरण किए गए। कैलारस जनपद पंचायत सभी स्वच्छता गृही को दिए गए सभी पंचायतों में वितरण करने के लिए एवं स्वच्छता गृही दीपक सिंगल एवं पूर्व सरपंच उमेश सिंह धाकड़, आजीविका समूह की श्रीमती रेखा धाकड़ द्वारा ग्राम पंचायत लाभकरण में घर घर जाकर गांव वालों को कोरोना से लड़ने के लिए सुझाव दिए। इस दौरान लोगों को गली गली जाकर गोल घेरे बनाकर कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रहें एवं स्वच्छता गृह द्वारा मास्क बांटकर सैनिटाइजर से हाथ धुलाई कराकर बताया जा रहा है एवं बताया गया है कि हमें सामाजिक दूरी बनाकर एवं मास्क लगाकर रहना है एवं अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना है या सैनिटाइजर करें। हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमें हिम्मत से कोरोना से डटकर मुकाबला करना है और इस कोरोना की जंग को हर हाल में जीतना है। स्वच्छता गृह दीपक सिंगल ने बताया कि छींकते वक्त या खांसते वक्त हमें रूमाल, टिश्यू पेपर या गमछे से मुंह को ढके रहना है और बताया गया है कि अगर किसी को खांसी जुकाम होता है तो नजदीकी डॉक्टर को दिखाएं, डरे नहीं, मिलकर डटकर सभी को कोरोना की इस जंग को हर हाल में जीतना है ताकि हम भी सुरक्षित रहें और अपने और लोगों को भी सुरक्षित रहने का सुझाव दें। दीपक सिंगल ने ग्राम में कोरोना जागरूकता के पोस्टर भी चिपकाए। मुरैना से राधाकृष्ण सिंगल की रिपोर्ट। कोरोना एक महामारी बीमारी है, इसके लिए लड़ने के लिए एक ही उपाय है जिसमें घर के अंदर लॉकडाउन में रहें, घर की साफ सफाई करते रहें, बार बार साबुन से अच्छी तरह हाथ धोते रहें, ये सबसे बड़ा उपाय है। जब देश में महामारी फैल रही है तो ऐसे समय में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए काम के लिए तो निकलना है पर लेकिन दूरी बनाकर ही काम करें। साथियों, प्रत्येक पंचायत में मनरेगा के काम पे जा रहे हो या किसी भी घर के काम किसी काम से जा रहे हो तो कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखें, यही हमारा संदेश है। मैं उमेश सिंह धाकड़ पूर्व सरपंच दीपक सिंगल के नेतृत्व में ये अभियान प्रत्येक पंचायत के अंदर चला रहे हैं। वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 15 तक चलाना है, ये कार्यक्रम चलता रहेगा। जब तक कोरोना गांव के अंदर से नहीं निकलेगा तब तक ये कार्यक्रम चलेगा। साथियों, कोरोना एक ऐसी महामारी है कि जिसका उद्धार आज तक बड़े बड़े देशों पे नहीं हो पाया है, न कोई दवाई मिली है। इसलिए श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने सबसे बड़ा उपाय यही बताया है कि घर के अंदर लॉकडाउन में रहें तो साबुन से बार बार हाथों को धोते रहें, इससे कोरोना की समस्या से छुटकारा मिल सके। बंधुओं, प्रदेश के देश के विकास के लिए हमें अपने घर के अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए ये कदम जरूरी है, ये दूरी बनाकर चलना हमारी आवश्यकता है। साथियों, जो आर्थिक स्थिति अपन को गतिविधियाँ बढ़ानी है उसके लिए हमें जीवन को चलाने के लिए बहुत काम करना है। उसके पश्चात माननीय स्वच्छाग्रही जी अपनी स्वच्छता से कार्यक्रम चला रहे हैं ग्राम पंचायतों के अंदर, जो दीपक सिंगल जी हमारे वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं, न कोई पैसा अपनी जेब से लगा रहे हैं, पैसे का सदुपयोग जनता के बीच में पोस्टर माध्यम से लेख लिखाई के माध्यम से